हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी, ये जो देख पा रहे हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी, इस शेयर के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि इस शेयर में अभी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। फ्लैग पैटर्न मीन्स एक झंडा टाइप का होता है, जैसे यहाँ पर नीचे से गिरते हुए उसके बाद ब्रेकआउट देना, उसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो इस शेयर में फ्लैग पैटर्न शेयर यानी एक कैंडल को दूसरा कैंडल, 8-9 कैंडल गिरावट होने के बाद जो कैंडल ऊपर उठता है, ब्रेकआउट देता है, उसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ब्रेकआउट स्टॉक है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये जब 22 मार्च में ये जब 179 रुपीज़ में था, तब यहाँ से धीरे धीरे करके कवर करके ये 2040 तक पहुँचा, मैंने यहाँ से हाई बनाया। फिर हाई बनाने के बाद थोड़ा रिवर्स देता है, रिवर्स देना यानी 203 तक बहुत बढ़िया सपोर्ट में लेके अभी ब्रेकआउट दिए। आपको कहाँ लेना है इस शेयर में? इस शेयर में फिर दोबारा 205-210 के बीच में जब भी आता है उसको होल्ड करके रखिए, और टारगेट आपको 230-240 तक बीच में रखना है टारगेट। क्योंकि मुझे लग रहा है ये एक फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद 230-240 तक आराम से पहुँच सकता है फिर दोबारा। तो आप इस शेयर को होल्ड करके रख सकते शॉर्ट टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म का शेयर है जो मैं बता रहा हूँ। ये जब 230 तक आप ब्रेकआउट हो जाता है, मैंने कवर हो जाता है, फिर ये दोबारा 270-300 तक जा सकता है। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए 20 पॉइंट का प्रॉफिट रखना है। 20 पॉइंट प्रॉफिट आपके लिए बहुत बढ़िया है। 200 का 20% बहुत बढ़िया है। 40 पॉइंट 10% आपको मिल जाएगा आराम से। तो आराम से आपको 205-210 के बीच में लेना है। 230-240 के बीच में जो शेयर मिलता है, जो प्राइस मिलता है, 40 तक इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही आप एग्जिट हो सकते हैं। तो ये रहा इसका RSI जो इंडिकेटर है। RSI देखिए, ये जब ओवरसोल्ड में था यहाँ से, ये वहाँ से गिरावट हुआ था 179 ओवरसोल्ड जोन में रहा एक महीना तक। क्योंकि एक महीना जो फेब्रुअरी टू मार्च जो महीना रहता है उसमें क्लोजिंग होता है, हर शेयर का क्लोजिंग होता है, स्टेटमेंट अकाउंट क्लोजिंग होता है, और न्यू अकाउंट से पहले जैसे मार्च एंडिंग तक जैसे बैंकिंग में क्लोजिंग होता है, सेम इसमें भी क्लोजिंग होता है। उस शेयर में ईयरली क्लोजिंग में प्रॉफिट लॉस बनाता है। प्रॉफिट अगर होगा तो थोड़ा मूवमेंट करेगा, लॉस होगा तो थोड़ा डाउन रहेगा। तो इसी चलते इसमें गिरावट आया था। तो ये शेयर 322 बहुत गिरावट आया था, अभी ये कवर देके कम से कम 200 चल रहा है। आपको 20-30 पॉइंट खेलना है शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म बेसिक का शेयर नहीं है। आपको 230-240 तक इंतजार करें, जैसे टारगेट हो जाता है आप एग्जिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी शेयर बहुत बढ़िया शेयर है, आप इसको होल्ड रख सकते हैं। अभी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।